इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और रुख करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर से हमारे पास आ रही है, जहां की पुलिस ने साबित किया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिट के परिसर में वह प्रवासियों की सुरक्षा करने में सक्षम है। नर्मदा जिले के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में नर्मदा पुलिस का एक सफल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस ने सक्षमता को परखने के लिए नर्मदा जिले के पुलिस अधीक्षक हिमकर सिंह और असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक अचल त्यागी ने आतंकवादी हमले का एक मॉक ड्रिल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में रखा था। इसमें पुलिस ने 3 हमलावरों को मार दिया था और एक को पकड़ लिया था। मॉक ड्रिल के दरमियान पुलिस की टीम भावना उजागर हुई। इस मॉक ड्रिल में नर्मदा पुलिस के साथ SRP के जवान और चेतक कमांडो भी शामिल थे। इस मॉक ड्रिल में डिप्टी SP राजेश परमार के साथ SOG विभाग के PSI दीपक कुमार कुमावत, LCV विभाग के PSI CM गामित, टाउन TI RN राठवा, SJ मोदी, चेतना बहन चौधरी के साथ अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान भी शामिल थे। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट।